ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मार्च गुरुवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में आज कई कार्यों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी। दोस्तों आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तौर पर आज अच्छा सामंजस्य बनाकर रख पाएंगे। दोस्तों आपकी मुलाकात अपने मामा और मौसी के परिवार से आज हो सकती है जिनसे मिलकर आपको काफी खुशी होगी और वह आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे। या दोस्तों साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं। संघर्ष करने के बाद कार्यों में आपको सफलता आज अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने की इच्छा रखते हैं तो वह भी प्रयास करने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका शुभ फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों यह आप मानकर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आपके लिए है, बस आपको अपना अच्छा प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में देना होगा ताकि आप उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हर सुख को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्साह में रहेंगे और अपनी ऊर्जा के बल पर आप हर चुनौतियों का डटकर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आपके लिए आवश्यक होगा कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझकर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाएं। दोस्तों पारिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वृद्धि हो सकती है, यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी। या दोस्तों साथ ही साथ पैसे के लेन देन में भी आज आपको सावधानी रखना अति आवश्यक है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसानदायक हो सकता है। इस दिन मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थितियां ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्णय लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार अवश्य ही कर लेना होगा, यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर आपको आज संयम रखने की अति आवश्यकता है, अन्यथा विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे। जी हां दोस्तों अगर आप
परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझौतों के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंधित समस्याओं को भी सुलझाना होगा और अपनी ओर से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रयास और जारी रखना होगा तथा प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि फिलहाल उनके लिए अधिक अच्छा अवसर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इसके लिए समय काफी अनुकूल है। दोस्तों, आज आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे। आपसी संबंधों में घनिष्ठता आपको एक नई स्फूर्ति प्रदान करेगी। जीवन साथी का भी आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ विवाहित जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, व्यवसाय धंधे में आज आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के अनेकों योग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धन लाभ के भी आज अनेकों योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको पैसे के लेन देन में भी अधिक फायदा होगा। रुके हुए सभी कार्य आज आपके पूर्ण होंगे और धन लाभ की आज अच्छी स्थिति रहेगी, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, व्यापार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे। व्यापार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों, साथ ही साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में चलकर आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बुद्धिमानी से आप ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करें ताकि आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी ना हो और आपका जीवन काफी खुश में बना रहे। दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेहत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप 108 बार बहुत ही सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आप जाप करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्द प्रसन्न होंगे, आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, सभी परेशानियों का अंत करेंगे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।